हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। सो बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर पूजा सहानी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बुक। हम आज एक नई बुक शुरू करने वाले हैं, ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। ओके, सो ये है बच्चों आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक और हम इसमें इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स सीखने वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स क्या चीज होती हैं? तो चलिए हम सीखते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यस, सो बच्चों अल्फाबेट्स क्या होते हैं बच्चों? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के L M N O P U R S T U V W X Y और लास्ट वाला Z। ओके, सो दिस इज रीट्रैक। और रीट्रैक में क्या दिया हुआ है बच्चों? इन अ डिक्शनरी वर्ड्स आर गिवन। कुछ वर्ड्स दिए हुए होते हैं, कुछ शब्द दिए हुए होते हैं। दिए हुए होते हैं ना, जब हमें किसी चीज का मीनिंग ढूंढना होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं बच्चों? डिक्शनरी की। तो वर्ड्स आर गिवन इन द ए बी सी डी ऑर्डर। किसमें दिए हुए होते हैं? ए बी सी डी ऑर्डर में। सबसे पहले सारे वर्ड्स होते हैं ए वाले, जब बहुत सारे वर्ड्स ए वाले फिनिश हो जाते हैं फिर स्टार्ट हो जाते हैं बी वाले, बी वाले फिनिश हो जाते हैं फिर स्टार्ट हो जाते हैं सी वाले, और जब सी वाले फिनिश हो जाते हैं तो फिर स्टार्ट हो जाते हैं डी वाले। ओके, सो दैट मेक्स इट इजियर टू फाइंड देयर मीनिंग। सो इससे क्या हो जाता है? उनका मीनिंग ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर ए से किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना है तो हम फटाफट ए लेटर वाला जो पोर्शन है डिक्शनरी में, जितने भी पेजेस हैं उनमें हम ढूंढ सकते हैं। ओके, इन अ टेलीफोन डिक्शनरी टू, टेलीफोन की डिक्शनरी में भी द नेम्स ऑफ पर्सन, जो लोगों के नाम लिखे होते हैं, आर गिवन इन द ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी तरह के ऑर्डर में दिए होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अर्पिता, किसी का नाम है बी से बबीता, सी से किसी का नाम है कियारा। तो ये जो नाम है ना सारे बच्चों, ये टेलीफोन डिक्शनरी में भी सबसे पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा और फिर सी वाला आएगा। ओके, तो यही अल्फाबेटिकल ऑर्डर आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ओके, सो दीज आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये जिस तरह से लिखे होते हैं ना, पहले ए बी सी डी, ये सारे जो भी होते हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इन्हें क्या कहते हैं हम? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब कोई चीज ऐसे लिखी हो, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक इंटरप्रिटेशन का बॉक्स है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स टू, उसका मतलब होता है अरेंज वर्ड्स, वर्ड्स को अरेंज करना इन ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट, उनके अल्फाबेट के ऑर्डर में। ठीक है, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है वर्ड्स को उनके अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करते हैं, जब हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ए के वर्ड्स लगाते हैं, फिर बी के लगाते हैं, फिर सी के लगाते हैं और फिर डी के लगाते हैं। राइट, अब आगे चलते हैं। ये है हमारी ए एक्सरसाइज बच्चों। अब आपको क्या करना है? अरेंज द नेम्स, आपको नेम्स अरेंज करनी है। देखो कितनी सुंदर सुंदर बर्ड्स दी हुई हैं यहाँ पर, ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स, इन बर्ड्स को हमने उनके नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय राइटिंग करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। और हमने क्या करना है, जो भी फर्स्ट नंबर पे हमें लगता है कि बर्ड आएगी उसके लिए हमने इन बॉक्स में 1 2 3 4 लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ पर दी हुई हैं? पैरेट, क्रो, स्पैरो, पिजन, हेन, ईगल, आउल और डक। ठीक है बच्चों, सो अब हमें इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना है कि सबसे पहले नंबर पे हम किस बर्ड को
रखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है याद हो, उसके लिए बच्चों हमें जरूरी है कि हमें ये पता हो कि ए बी सी डी कैसे लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ओके, सो ये हमने यहाँ पर मैंने ए टू जी सारी आपको लिख के दिखाई है, ए बी सी डी, राइट। सो दीज ऑल आर अल्फाबेट्स, ये हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं से हमारी पूरी इंग्लिश बनती है। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने इसमें देखना है कि क्या कोई वर्ड है जो ए से स्टार्ट होती है। नहीं, ए से कोई नहीं स्टार्ट होती, राइट। ये पी से हो रहा है, ये एच से, ये सी से, ये ई से, ये एस से, ये ओ से, ये भी पी से और ये डी से, कोई भी नहीं हो रहा। तो चलो आगे चलते हैं। अब बी से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं, बी से भी कोई नहीं हो रहा, राइट। आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई बी से हो रहा हो? सी से कोई है हमारे पास बर्ड? यस, वी हैव दिस क्रो। सो ये हमारे लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा क्रो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें इनको लगाना है, राइट। हमें ऐसे लगाना है, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो अब हमारे पास ए भी नहीं है और हमारे पास बी भी नहीं है, हमारे पास सी है, तो हम इसे ऐसे लगा देंगे। ओके, वन। उसके बाद हम आते हैं ए बी सी डी। डी पर कोई डी से है यहाँ पर? यस, दिस इज डक। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चों? नंबर टू। ओके, आप मेरे साथ करते चले। ओके, नाउ द थ्री, ए बी सी डी। अब थ्री नंबर हमें ढूंढना है, आगे चलते हैं। ई, ई हमारे पास है कोई? यस, दिस इज ईगल। सो दिस विल बी थ्री नंबर। ओके, ए बी सी डी ई। एफ से कोई है? नहीं। जी से कोई है? नहीं, जी से भी कोई नहीं है। एच, एच से है हमारे पास? यस, वी हैव हेन। तो ये हो गया हमारा नंबर फोर। अब हम एच तक आ गए हैं, आगे चलते हैं। आई से है? नहीं। जे से? जे से भी नहीं। के से है हमारे पास कुछ? नहीं। एल? नहीं। एम से भी नहीं है, एन से भी नहीं है। ओ, ओ से हमारे पास है आउल। आउल मतलब उल्लू। तो ये हो गया फाइव नंबर। ओके बच्चों, प्लीज आप मेरे साथ इसे अपनी बुक में करते चले। ओके, एम एन ओ पी। अब पी से हमारे पास दो बर्ड्स हैं, एक तो है हमारे पास पिजन और एक है हमारे पास पैरेट। सो बच्चों, जब हमें ऐसे कोई वर्ड्स मिल जाएं जिनका फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर, जैसे कि पी और ये भी पी, सेम हो, दोनों का पी पी है, तब हम सेकंड वर्ड को देखते हैं। ओके, और सेकंड वर्ड में से जो वर्ड सबसे पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, वो हम सबसे पहले लिख देंगे उस वर्ड को। ओके, तो इसका सेकंड वर्ड है आई, राइट, और इसका सेकंड वर्ड क्या है बच्चों? ए। तो अब आप मुझे बताओ क्या आता है ए बी सी डी में पहले, आई पहले आता है या ए पहले आता है, आप बताएं मुझे। यस, सबसे पहले क्या आता है? ए पहले आता है। तो पैरेट क्या हो जाएगा? सिक्स नंबर, और पिजन सेवन नंबर, राइट। और उसके बाद हमारे पास बचा स्पैरो, तो ये ऑब्वियसली एट नंबर। तो अब आपको पता चला कि हमें इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे रखना है। ओके, बहुत सिंपल है, सबसे पहले ए वाले को फर्स्ट नंबर पे, फिर बी को सेकंड पर, और अगर दो एक जैसे मिल जाए हमें, मान लीजिए ए के यहाँ पर दो बर्ड्स की होती, तो हमें उनका सेकंड लेटर देखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एंड नाउ दिस इज इंटरप्रिटेशन। ओके, When more than one word start with the same letter, जब दो या दो से, एक या एक से ज्यादा, या दो से ज्यादा वर्ड जो होते हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर सेकेंड लेटर। सो वर्ड्स कैसे अरेंज किए जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? सेकेंड लेटर की तरफ देखकर। जैसे कि बच्चों यहाँ पर देखो, तीनों एल से आपको एग्जाम्पल में वर्ड दिए हुए हैं, लैंड, लीड,
लोड, ठीक है ना। अब अगर हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदलना है तो तीनों एल 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 है, ठीक है, तो हमें नहीं पता चल रहा। अब हमने क्या देखना है, इनके ये सेकेंड लेटर वर्ड, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, ए, एक है हमारे पास ई और एक है हमारे पास ओ। तो आप बताएं सबसे पहले क्या आता है, लैंड, लीड, लोड। सेकेंड लेटर को देख लिया हमने, हमारे पास है ए ई ओ, सो ए भी है, ई भी है और ओ भी है। तो आप बताओ इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं, ए टू जेड होता है, उसमें सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले तो ए आता है ना, तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाएगा बच्चों लैंड, राइट, हमारा फर्स्ट वर्ड हो जाएगा लैंड। अब हमारा सेकेंड वर्ड क्या होगा, चलिए ये तो हो गया, अब हम इन दोनों को देखते हैं, इसमें ई पहले आता है या ओ, ए टू जेड में क्या पहले आता है, ई पहले आता है या ओ, ए बी सी डी ई, ई पहले आया तो इसमें हम लिख देंगे एल ई ए डी, लीड, ओके। नाउ द थर्ड वन इज लोड, तो ऑब्वियसली ये सबसे बाद में आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे को सेम लेटर के वर्ड से स्टार्टिंग मिल रही है, हमें वो वर्ड्स मिल रहे हैं जिनमें सब में सेम लेटर है, तो हम फर्स्ट लेटर को नहीं देखेंगे, फिर हम किसे देखेंगे बच्चों, सेकेंड लेटर को। और इसमें नीचे ये बताया है, व्हेन द फर्स्ट टू लेटर ऑफ टू और मोर वर्ड्स आर सेम, जब दोनों लेटर भी सेम हो, फर्स्ट भी सेम हो सेकेंड भी सेम हो, तो वी फाइंड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर थर्ड लेटर, फिर हम किसको देखते हैं, उनके थर्ड लेटर को देखते हैं टू फाइंड देम इन अ डिक्शनरी, ओके। सो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पर्ल, पी, पेस्ट, पेट। अब इसमें आपको पता है ये सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, पी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम इनका सेकेंड लेटर देखते हैं, सेकेंड भी ई, इसमें भी ई, इसमें भी ई और इसमें भी ई। अब हम क्या करें, अब हम इसे कैसे लगाएं, तो हम किसे देखेंगे बच्चों, अब हम इसे थर्ड लेटर को देखेंगे। तो पर्ल में सबसे थर्ड लेटर क्या है, ए, और यहाँ पर थर्ड लेटर फिर से है ई, और यहाँ पर है एस, और यहाँ पर है टी, राइट। तो अब हमारा सबसे पहले तो वही आएगा ना जिसमें थर्ड लेटर ए होगा, तो फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, पर्ल, राइट, दिस इज पर्ल, ओके। सेकेंड क्या आने वाला है, ई वाला आएगा ऑब्वियसली, ये लिखे ठीक हुए हैं, बस मैं आपको समझा रही हूँ, पी, थर्ड है एस। अब एस पहले आता है या टी, आप बताइए मुझे, ए बी सी डी में एस पहले आता है या टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, दोनों साथ साथ है लेकिन पहले कौन सा आता है, एस पहले आता है, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, पेस्ट, ठीक है, और देन वी विल राइट पेट, ओके। तो इस तरह से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज कर लेते हैं, सो है ना इजी। चलिए आगे चलते हैं, एंड वी हैव द एक्सरसाइज, और इसमें एक बात और है, अगर किसी वजह से सब वर्ड का फर्स्ट लेटर भी सेम है, सेकंड भी सेम है और थर्ड भी सेम है, तब हम इसी तरह से आगे चलते रहते हैं, हम किस लेटर को देखेंगे, फोर्थ लेटर को। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बच्चों दिया हुआ है सीक और सीकर, अब आप देखो ये फोर लेटर्स इसके सेम है, राइट, तो हम कहाँ जाएंगे, हम आगे वाले लेटर को देखेंगे, सीक ई, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले तो आएगा सीक और फिर आएगा सीकर, राइट। तो इस तरह से हम आगे चलते रहते हैं और देखते रहते हैं। चलिए अब हम करते हैं बी एक्सरसाइज, राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे हमने बर्ड्स को नंबर्स दिए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन्हें भी हम यहाँ पर नंबर्स देंगे, और जो भी हम नंबर देंगे, जैसे जिसका भी फर्स्ट नंबर होगा आप उसको यहाँ पर लिखोगे, ओके। सो ए से कोई है यहाँ पर बच्चों, नहीं है, राइट। अब बी से कोई है, शीप, डियर, कैंगरू, लायन, बेयर, यस, ये है बी से, तो हम उसको नंबर वन दे देंगे, ओके। और बच्चों आप साथ साथ यहाँ पर लिखोगे बी के बियर, ओके। अब नंबर टू पे कौन सा आता है, चलो जल्दी से एबीसीडी बोलेंगे,
A B C D. We have D here, deer, right? So हम यहाँ पर लिख देंगे deer, okay? A B C D, E है नहीं है, F नहीं है, E F G. So हमारे पास G से है giraffe. तो ये हो गया number 3 और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं giraffe, right? इस तरह से, okay? So इस तरह से बच्चों आप इनको आराम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. चलिए जी से आगे चलते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के है हमारे पास यहाँ कैंगरू है ना, राइट. सो दिस इज 4. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैंगरू. ओके आई जे के L. So ये हो गया lion, king of the jungle, lion. Okay. I J K L M N O P. So यहाँ पर आ जाएगा P. I J K L M N O P. Q R S. Sheep. T-U-V और उसके बाद सिर्फ ये बचा हमारा जेब्रा. सो यहाँ पर हम लिखेंगे जेब्रा. सो प्लीज आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को कर लीजिए, ओके? इसमें मैं आपको कुछ भी होमवर्क के लिए नहीं दे रही हूँ, वो मैं आपको आगे आने वाली एक्सरसाइज में दूंगी. तो इस तरह से बच्चों हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं वर्ड्स को, ओके? सो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हैं. दिस इज योर प्रोवोकेशन एक्सरसाइज, ओके बच्चों? सो अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस, ओके? सो ये है शिप, गैंगटॉक, गांधी, ट्रेन, गॉब्लिन, टैरेंटुला, अबैकस, एंडस एंड सेवी, ओके? सो इसको आपने अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. आपको पता है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है बच्चों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू V, W, X, Y and Z. Okay. So हम आगे चलते हैं. A से कोई है यहाँ पर? Yes, we have 2 words, Andes and Abacus. Right? है ना हमारे पास? अब हमने इनको अरेंज करना है. So अब ये दो तो A से स्टार्ट है, तो हम किसे देखेंगे? Second letter को. Very good. So second letter क्या है हमारा? B. So ये और यहाँ पर है N. So क्या पहले आता है बच्चों? B पहले आता है या N पहले आता है? Yes, B पहले आता है. So ये हो जाएगा हमारा number 1, A number 2, right? अब ये तो हो गए, आगे चलते हैं. A, B, C, D, नहीं है, E, नहीं, F, नहीं, G. अब हमारे पास G के यहाँ पर 3 words हैं, Gangtok, Gandhi and Goblin, right? अब हमें देखना है, तीनों G से start है. अब हमें तीनों के सेकेंड लेटर्स देखने हैं, ए ए एंड ओ. तो यहाँ पर दो के ये तो सबसे बाद में आएगा, बिकॉज इसमें क्या है, ओ, राइट. अब हम ए वाले देखते हैं. अब ये तो दोनों के सेम है, जी ए जी ए. अब हम थर्ड लेटर को देखते हैं, जी ए एन जी ए एन. अरे ये तो तीनों सेम है. अब हम जाएंगे फोर्थ लेटर पे, जी ए एन जी एंड जी ए एन D. तो अब आप बताइए कि क्या पहले आता है, D पहले आता है या G पहले आता है ABCD में? आप चेक भी कर सकते हो, A B C D. So obviously D पहले आता है. So ये हो जाएगा number 3, this is number 4 and this is number 5, right? चलिए आगे चलते हैं. G तक हो गए हमारा. H I J K L M N O P Q R S.
अब एस का हमारे पास एक ही वर्ड है तो ये सिक्स नंबर। अब हमारे पास टी के तीन बज गए, टैरेंटुला, टिस्बी एंड ट्रेन। सो अब हम इसका सेकंड देखेंगे, ए एस एंड आर। तो सबसे पहले तो हमारा ये ए वाला ही होगा, सो सेवन। अब हम इन दोनों में देखते हैं एस पहले आता है या आर पहले आता है। बच्चों क्या आता है, एम आर पहले आता है या एस? आर पहले आता है, तो ये हो जाएगा एट नंबर और ये हो जाएगा नाइन नंबर। बस इस तरह से हमने अरेंज करना है ना, इजी बहुत। चलिए आगे चलते हैं डी एक्सरसाइज। राइट 1 2 3 4 इन द बॉक्सेस टू शो द ऑर्डर इन विच यू विल फाइंड देम इन अ डिक्शनरी। जैसे हम इन्हें डिक्शनरी में देखेंगे, जैसे हम इन्हें डिक्शनरी में ढूंढेंगे, उस हिसाब से हम इन्हें 1 2 3 4 नंबर्स देने हैं। और डिक्शनरी में हम कैसे ढूंढेंगे, ऐसे ही ढूंढेंगे ए टू जेड लिखकर। राइट, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप एक सेपरेट पेज पे ए टू जेड तक लिख सकते हो और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में इन्हें रख सकते हो। सो आपको देखना है यहाँ पर कुछ ऐसे है क्या, आम एप्पल। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, आम और एप्पल्स, है ना। तो आम का दोनों के ए ए से स्टार्ट है, तो अब हम सेकंड देखेंगे। सेकंड इज आर एंड पी। ओके, यहाँ पर पी है और यहाँ पर आर है। अब आपको बताना है क्या पहले आता है जब हम ए टू जी बोलते हैं, पी या आर। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यस पी सबसे पहले आता है ना, तो हमारा नंबर वन वर्ड है एप्पल और नंबर टू है आम। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आम का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो हमारी आम होती है, राइट। और एप्पल तो सबने खाया होगा। चलिए आगे चलते हैं ए। अब हम देखते हैं बी से कोई वर्ड है हमारे पास, नहीं बी से हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। ए बी सी, नाउ वी विल सी कि हमारे पास कोई सी से वर्ड है कि नहीं, नहीं। ओके, ए बी सी डी, डी से हमारे पास एक ड्रम है और नहीं, और कोई वर्ड नहीं है, तो ये हो गया हमारा थ्री नंबर। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ए बी सी डी ई से कोई वर्ड है हमारे पास, नहीं ई से कोई वर्ड नहीं है। एफ से हमारे पास नहीं, ई एफ जी, अब आ गया जी। जी से हमारे पास कोई वर्ड है, जी है कहीं पर, है कहीं पर जी बच्चों, यस ये रहा जी। तो ये हो गया फोर्थ नंबर। राइट, ए बी सी डी ई एफ जी। एच से अब हमें देखना है, वी हैव हेयर, बस हमारे पास एक हेयर ही है एच से, तो ये हो गया फिफ्थ नंबर। ओके, इस तरह से बहुत इजी होता है बच्चों। और अगर हमारे पास एच से दो वर्ड्स होते तब हम उनके लेटर्स देखते, सेकंड लेटर देखते, थर्ड लेटर देखते, फोर्थ लेटर देखते, और हमें इजीली पता चल जाता कि पहले क्या आना है। राइट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई है कहीं पर, नहीं आई जे, नहीं के, नहीं आई जे के, आई जे के एल, एल है कहीं पर, यस वी हैव लेग्स हियर। ओके, एल एम, अब एम देखना है हमें, एम कहीं पर है क्या बच्चों, एम है, एम 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 मैंगो। राइट, एम एन, अब हमें एन से वर्ड्स देखने हैं और एन से हमारे पास है नोज, नेक, बस हमारे पास दो वर्ड्स हैं एन से। अब हम इनमें दोनों में एन एन है, अब हम किसे देखेंगे, सेकेंड लेटर को, ई और ओ। अब बताइए सबसे पहले क्या आता है, ई आता है या ओ आता है? आप बोल के भी देख सकते हो, ए बी सी डी ई, ई आता है ना पहले, तो ये हो गया हमारा एट और ये हो गया हमारा नाइन। राइट, अब हमारी ये वाली लाइन तो कंप्लीट हो चुकी है, अब एन के आगे चलते हैं। सो अब हमारे पास आर के बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर, रन, रेस, रिव, रैट और रो, हमारे पास एक रो भी है। सो अब हमें इसका सेकेंड लेटर देखना है, बिकॉज ये सब आर से स्टार्ट है। अब सेकेंड लेटर में ओ है, यू है, ए आई ए, तो हमें ए वाले देखने हैं। ओके, अब ये दोनों ए वाले हैं, बिकॉज तो यही पहले आएंगे, इन दोनों में से ही कोई एक पहले आएगा। राइट, अब हमें इसका थर्ड लेटर देखना है, थर्ड इज सी और टी। अब क्या पहले आता है बच्चों, ए बी सी पहले आता है। राइट, तो ये हमारा ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टेंथ वर्ड। ओके, और ये इलेवन। राइट, अब हमें इन तीनों में देखना है,
ओ पहले आता है, यू पहले आता है या आई पहले आता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ओके। और उसके बाद यू पहले आता है या ओ पहले आता है? ऑब्वियसली ओ पहले आता है, तो ये हमारा हो गया 13, दिस इज 14, ओके। अब हम आगे चलते हैं, आर हो गया हमारा, ठीक है। एस, एस से कोई वर्ड है? नहीं। तो अब हमारे पास दो वर्ड बचे हैं बच्चों, टोमेटो और वैन, ओके। तो अब बताओ टी पहले आएगा या वी पहले आएगा? ऑब्वियसली टी यू वी, सो टी पहले आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन से नंबर वाला वर्ड? 15, एंड दिस विल बी 16, राइट। तो प्लीज आप ये एक्सरसाइज मेरे साथ करते रहिए। नाउ बच्चों, ये है आपका होमवर्क एक्सरसाइज, ओके। इसको आपको होमवर्क में करना है, और इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको एट एट नेम्स लिखने हैं किसके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टेशनरी, फर्नीचर। फ्रूट्स क्या हो सकता है? एप्पल, बनाना, कीवी, वाटरमेलन, पपाया, गवावा, ग्रेप्स, ओके। और वेजिटेबल्स भी आपको पोटैटो, टोमेटो, अनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, कैरेट, रेडिश, ओके। इस तरह से आपको एट वेजिटेबल्स और एट फ्रूट्स के नेम्स लिखने हैं, और उनको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ओके। आपको उन्हें अरेंज करना है। देन स्टेशनरी है हमारे पास। स्टेशनरी किसे कहते हैं बच्चों? जो हम स्कूल में सामान लेकर जाते हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर, पेन, स्केल, कंपास, ज्योमेट्री बॉक्स, वाटर बॉटल, टिफिन, और आपका स्कूल बैग, नोटबुक्स, बुक्स। तो बहुत सारी चीजें होती हैं स्टेशनरी में, उसमें से कुछ एट का नाम आपको लिख के उसे अरेंज करना है इसी तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ओके। अब फिर फर्नीचर आ गया। फर्नीचर क्या होता है बच्चों? जैसे कि डाइनिंग टेबल, सोफा, और सेंटर टेबल, और आपका बेड, ड्रेसिंग टेबल, और बहुत सारी चीजें होती हैं फर्नीचर में, चेयर, ओके, एंड स्टडी टेबल। तो इस तरह से आपको एट फर्नीचर आइटम्स को लिखकर उन्हें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ओके। सो अब आपको, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें किसी भी चीज को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कैसे करना है, राइट। सो दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज बच्चों, और ये आप होमवर्क में करेंगे, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।